सऊदी अरब 22 फरवरी को अपना स्थापना दिवस फाउंडिंग डे मनाता है, जो मौजूदा सऊदी पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए है। उसकी असल में नींव 1727 में रखी गई थी, जब इमाम मोहम्मद बिन सऊद अपने चचेरे भाई जैद बिन मरखान के बाद दरिया राज्य के शासक बने। दरिया को ही पहला सऊदी राज्य माना जाता है और यहीं से अपना शासन शुरू करने वाला सऊद परिवार आज तक करीब 300 सालों से सऊदी अरब पर राज कर रहा है। पहले सऊदी स्टेट बनाने का श्रेय इमाम मोहम्मद बिन सऊद को जाता है, जो जैद बिन मरखान के बाद दरिया शहर के शासक बने और जब 1765 में उनकी मौत हुई तब तक उन्होंने मध्य अरब में उस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई की नींव रखी। सऊद समर्थकों के मुताबिक उस वक्त अरब के इस्लाम में कुछ बदलाव आ गए थे जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से अलग थे, जिनको खत्म करने का बेड़ा अब्दुल वहाब ने उठाया, जिनको शेख के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल वहाब को शुरू में स्थानीय धार्मिक विद्वानों और नेताओं ने सताया। वे सभी शेख की शिक्षाओं को अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते थे। अरब में हर तरफ से सताए जाने के बाद उन्होंने दरिया शहर में पनाह मान ली, जहां इमाम मोहम्मद बिन सऊद का शासन था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और दरिया के शासक मोहम्मद बिन सऊद ने मुस्लिम समुदाय में इस्लाम की असल शिक्षाओं को वापस लाने का समझौता किया। इसी भावना से 1727 में मोहम्मद बिन सऊद ने पहले सऊदी राज्य की स्थापना की, जो शेख वहाब के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में फला फूला। अब्दुल वहाब की शिक्षाओं को मानने वाले लोगों को वहाबी भी कहा जाता है। बाद में उनके लाए गए रिफॉर्म वहाबिज्म विवादों में घिर गए। वहाबियों की छवि कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोगों के तौर पर बन गई, जिनकी विचारधारा का सीधा टकराव सूफी इस्लाम से हुआ। वहाबियों ने इत्तेहाद की वकालत की और अरब के साथ साथ जहां जहां ये विचारधारा फैली वहां दरगाहों, सूफी संगीत, बुतों की पूजा जैसे चलन को खत्म किया गया। इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने राजनीति और लड़ाई का हुनर अपने पिता से सीखा था। पिता के शासनकाल में इमाम ने पिता का साथ दिया और 1721 में जब अल अहसा की बानू खालिद जनजाति ने दरिया पर हमला किया तो फौज का नेतृत्व करके दरिया को जीत दिलाई। इस जंग के बाद से दरिया को आसपास के इलाके में एक मजबूत राज्य के तौर से देखा जाने लगा। अपनी मौत से पहले तक इमाम मोहम्मद ने पूरे अरब में दरिया को अलग पहचान दिला दी और इसका शासन अरब के कई इलाकों तक फैल गया था। 1765 में उनकी मौत के अगले 9 दशकों तक ये कमान उनकी 3 पीढ़ियों ने संभाली। उनके बेटे अब्दुल अजीज ने अत-तुराइफ के शाही जिले की नियक्सव रखी। उनके बाद अब्दुल अजीज के बेटे अब्दुल अजीज अल सऊद सऊद द ग्रेट के वक्त सऊद स्टेट अपने चरम पर पहुंचा और अरब प्रायद्वीप के ज्यादातर हिस्से में फैल गया। सऊद द ग्रेट ऐसे शासक थे जिनके शासनकाल में ही सऊद स्टेट इस्लाम के 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना तक फैल गया था। 1814 में उनकी मौत के बाद बेटे अब्दुल्ला के कंधों पर सऊद स्टेट की जिम्मेदारी आ गई। सऊदी अरब 22 फरवरी को अपना स्थापना दिवस फाउंडिंग डे मनाता है, जो मौजूदा सऊदी पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए है। उसकी असल में नींव 1727 में रखी गई थी, जब इमाम मोहम्मद बिन सऊद अपने चचेरे भाई जैद बिन मरखान के बाद दरिया राज्य के शासक बने। दरिया को ही पहला सऊदी राज्य माना जाता है और यहीं से अपना शासन शुरू करने वाला सऊद परिवार आज तक करीब 300 सालों से सऊदी अरब पर राज कर रहा है। पहले सऊदी स्टेट बनाने का श्रेय इमाम मोहम्मद बिन सऊद को जाता है, जो जैद बिन मरखान के बाद दरिया शहर के शासक बने और जब 1765 में उनकी मौत हुई तब तक उन्होंने मध्य अरब में उस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई की नींव रखी। सऊद समर्थकों के मुताबिक उस वक्त अरब के इस्लाम में कुछ बदलाव आ गए थे, जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं से अलग थे, जिनको खत्म करने का बेड़ा अब्दुल वहाब ने उठाया, जिनको शेख के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल वहाब को शुरू में स्थानीय धार्मिक विद्वानों और नेताओं ने सताया। वे सभी शेख की शिक्षाओं को अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते थे। अरब में हर तरफ से सताए जाने के बाद उन्होंने दरिया शहर में पनाह मान ली, जहां इमाम मोहम्मद बिन सऊद का शासन था। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और दरिया के शासक मोहम्मद बिन सऊद ने मुस्लिम समुदाय में इस्लाम की असल शिक्षाओं को वापस लाने का समझौता किया। इसी भावना से 1727 में मोहम्मद बिन सऊद ने पहले सऊदी राज्य की स्थापना की, जो शेख वहाब के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में फला फूला। अब्दुल वहाब की शिक्षाओं को लेकर विवाद। अब्दुल वहाब की शिक्षाओं को मानने वाले लोगों को वहाबी भी कहा जाता है।